हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कुली नंबर वन। जी हाँ, मैं गोविंदा वाली कुली नंबर वन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में अमेजन प्राइम पर वरुण धवन की फिल्म कुली नंबर वन की। तो साथियों, यहाँ पर दोनों फिल्मों की तुलना करना लाजमी था, और इस तुलना के अंदर जो है वरुण धवन की कुली नंबर वन कहीं भी गोविंदा की कुली नंबर वन के सामने टिक नहीं पाई। जी हाँ साथियों, दोनों फिल्मों का निर्देशन जो है डेविड धवन ने किया था, लेकिन यहाँ पर डेविड धवन पुराने वाला जलवा दिखाने में कामयाब नहीं हो पाए। और साथियों, वाकई में आप जब दोनों फिल्मों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो हमारी नई जनरेशन है, मैं उनसे एक बार फिर कहूँगा कि जो गोविंदा जी की कुली नंबर वन है उसे एक बार ज़रूर देखें। वो वाकई में एक मास्टरपीस फिल्म है, आपको पसंद आएगी। अगर आप तुलना करेंगे वरुण धवन के साथ, तो साथियों वरुण धवन कहीं भी बराबर तो क्या उसके आसपास भी नज़र नहीं आए। तो अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी की। तो साथियों, स्टोरी का आपको पता ही है, मैं उसको बताने में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बाकी जहाँ तक एक्टिंग की बात है, एक्टिंग भी किसी भी कलाकार की खास एक्टिंग इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे जो पहले की कुली नंबर वन थी उसके साथ, हर एक्टर का जो किरदार है वो वाकई में कहीं भी पुराने वालों के साथ मैच नहीं करता। अगर गोविंदा वाली कुली नंबर वन की बात की जाए तो उसमें जो कादर खान थे उन्होंने कमाल का रोल प्ले किया था, और जो सदाशिव अमरापुरकर थे उन्होंने भी कमाल की एक्टिंग की थी, और गोविंदा तो लाजवाब हैं ही, और शक्ति कपूर के तो क्या कहने। और यहाँ पर जो वरुण धवन की कुली नंबर वन है उसमें आप देखेंगे परेश रावल को, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास स्क्रिप्ट ही नहीं थी उस तरह की, उस लेवल की। और उसके बाद अगर आप जावेद जाफरी को देखेंगे तो वो भी जो सदाशिव अमरापुरकर का जो रोल पुरानी में था उस रोल को इन्होंने यहाँ पर प्ले किया है, लेकिन वो भी फीके नज़र आए। और अगर बात की जाए सारा अली खान की तो उनके पास भी करने को कुछ इसमें था ही नहीं, तो बेचारी करती क्या। तो कुल मिलाकर ये एक फिजूल फिल्म है, रीमेक के नाम पर धब्बा है, यहाँ पर खामखां का पैसा ख़राब किया गया है, और आप लोगों का समय भी अगर आप देखेंगे तो वो ख़राब होगा। मैं भी सच बताऊं तो पूरी फिल्म देख नहीं पाया, और गोविंदा जी वाली कुली नंबर वन को बाद में देखा, तब जाकर मूड फ्रेश हुआ। तो बात करते हैं कुली नंबर वन जो वरुण धवन की है, जितनी मैंने देखी उसकी। अगर बात की जाए गीत और संगीत की तो साथियों नया कुछ खास इसमें है नहीं जो याद किया जाए, ऐसा कोई गीत आपको सुनने को नहीं मिलेगा। बस जो पुराने गीत हैं उन्हीं को रिक्रिएट किया गया है, और उन गीतों का भी कबाड़ा कर दिया है। यहाँ पर बात की जाए हुस्न है सुहाना की तो वो गीत कमाल का था, गोविंदा की कमाल के मूव्स थे, और यहाँ पर वरुण धवन ने सब गुड़ गोबर कर दिया है। और बात की जाए मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, वो भी गीत कमाल का था, जो गोविंदा और करिश्मा की जो जोड़ी थी वो वाकई में कमाल की थी। और यहाँ पर वरुण धवन और सारा अली खान दोनों बचकानी हरकतें करते आपको दिखाई देंगे, जो कहीं भी गोविंदा और करिश्मा के बराबर नहीं लगते। और साथियों ये फिल्म टोटल टाइम वेस्ट फिल्म है, बात चाहे एक्टिंग की हो, म्यूजिक की हो, डायरेक्शन की हो, किसी भी क्षेत्र में ये फिल्म पहली फिल्म के मुकाबले अच्छा नहीं कर पाई। तो साथियों इस फिल्म को लेकर मेरी तरफ से आपके लिए ना है, बाकी एक बार दोनों फिल्मों को देखें ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कौन सी फिल्म बेहतर लगी, और गोविंदा और वरुण धवन में से किस कलाकार की एक्टिंग आपको अच्छी लगी। और आखिरी में मेकर्स के लिए मेरा यही कहना है कि कुछ नया करके दिखाएं, कुछ नई क्रिएटिविटी यहां पर दिखाएं, ताकि दर्शकों को कुछ पसंद आ सके, इस रीमेक का पीछा छोड़ दें। बाकी जहां तक गोविंदा की बात है साथियों, गोविंदा वाकई में नहायत ही अच्छे कलाकार हैं। दूसरा, आपको ये तो पता ही है कि जिस जिस फिल्म में गोविंदा के साथ अन्य कलाकार कोई भी आया है, चाहे वह अमिताभ बच्चन हो, संजय दत्त हो, सलमान खान हो, कोई भी गोविंदा के ऊपर भारी नहीं पड़ पाया है। आप पुरानी कोई भी फिल्म उठाकर देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर गोविंदा के साथ जो बॉलीवुड है वो भेदभाव कर रहा है, और वे उसका शिकार हो रहे हैं। और हमारा काम अब ये है कि गोविंदा का कोई भी प्रोजेक्ट आए हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि ऐसे अच्छे सच्चे और शानदार कलाकार जो है एक बार ही पैदा होते हैं। और अगर आपने
उनकी अदाकारी का यहाँ पर लुत्फ नहीं उठाया तो वाकई में आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो साथियों, ये था मेरा रिव्यू कुली नंबर 1 को लेकर, आपका इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के कलाकारों के बारे में और गोविंदा के बारे में क्या नज़रिया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट फिल्मी तव यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।